मध्यमातम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, तहे दिल से आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में, चाहे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, तमिलनाडु, सारे राज्यों में वाक्षी के द्वारा जो है वो ग्रोसरीज आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। जब दूसरे राज्यों से हमारे पास में लोग संपर्क कर रहे हैं, तो क्योंकि पहली बार वो ऑर्गेनिक फूड जो ऑर्डर करते हैं, उनके पास हमेशा दुविधा रहती है कि पहले ऑर्डर में हम कौन सी चीजें मंगवाएं, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा रहता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने आसपास से भी खरीदे तो उससे भी काम चल जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पहली बास्केट आपको वाक्षी से मंगवानी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजों को आप सम्मिलित करने की कोशिश करें, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा है, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लेवल ऑफ रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, उसको आज इस वीडियो में आप जानने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। घर के अंदर आटे की जरूरत बहुत होती है। अब आप जानते हैं ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आटा होता है। जो ऑर्गेनिक आटा होता है उसकी क्या दो चीज खासियत होती है। पहली बात कि जब वो अनाज, जो गेहूं है, वो जब जमीन में उग रहा है तो यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे। दूसरी बात, जब वो पिस रहा है तो वो कोई फास्ट मूविंग जो मशीन होती है उसके अंदर नहीं पिसते, ट्रेडिशनल मशीन में धीरे धीरे चक्की में पिसते हैं, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहे। आटा ऑर्गेनिक आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट से लेंगे तो कोई बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। अब मार्केट से हमें लेना कैसे है, इस चीज को हमें समझना होगा। पहली प्रेफरेंस आप ऑर्गेनिक आटा लें, ताकि यूरिया पेस्टिसाइड आपके शरीर में ना जाए। लेकिन अगर आप ये नहीं ले सकते, या किसी भी वजह से आपको लगता है ऑर्गेनिक आटा घर में नहीं आ रहा, पास वाली चक्की पर जाएं, अपने सामने गेहूं उठाएं और गेहूं उठवा के अपने सामने पिसवाएं। जो मार्केट में रेडीमेड आटा मिल रहा है, ये आपके लिए ना केवल, मतलब आप समझिए कि फायदा तो बहुत दूर की बात है, ये नुकसान तक आपके शरीर के अंदर कर सकता है। क्योंकि जब ये मिलों में पिसा जा रहा है तो इसका चोकर, जो इसका फाइबर तक है, वो तक हटा दिया जाता है, जो इसका बहुत क्रूशियल पार्ट है। तो पहली प्रेफरेंस आप ऑर्गेनिक आटा लें। अगर ऑर्गेनिक आटा नहीं ले पा रहे, चक्की पर जाइए, वहां से गेहूं उठाइए, अपने सामने मोटा आटा पिसवाइए। मोटा आटा पिसवाएंगे, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा रहेगा, वो आपके शरीर के लिए हमेशा अच्छा रहेगा, और उस आटे को घर में लाकर इस्तेमाल करिए। तो आटे के अंदर ये लेवल ऑफ रिस्क होता है जो आपको कंसीडर करने की जरूरत है। दूसरी बात आती है चावल। चावल के अंदर क्या रिस्क है? चावल के अंदर अभी एक तो बहुत माइन्यूट रिस्क है, जो अभी धीरे धीरे हमारे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। आपने एड में सुना भी होगा, प्लास्टिक वाला चावल आने लग गया। कोई भी लो ग्रेड या लो क्वालिटी, लो ब्रांड का आप चावल कभी मार्केट से ना खरीदें। अगर आपका चावल ऑर्गेनिक नहीं भी है, तब भी कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डल रहे हैं, वो एक अलग बात है, उससे हमें रिस्क रहता है। लेकिन उसके अलावा जो ऊपरी एडल्ट्रेशन है, वो अभी तक चावल में नहीं है। तो चावल आप किसी अच्छे ब्रांड का, रेपुटेड ब्रांड का मार्केट से ले सकते हैं। लेवल ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, लो क्वालिटी, लो ब्रांड का चावल, या जो हमें कई बार हम सोचते हैं कि सड़क के किनारे जो हमें फ्राइज मिल रही है, या फिर हमें जो फ्राइड चावल मिल रहा है वो ले लें, ऐसे चावलों को बिल्कुल बंद करिए। प्लास्टिक के चावल का होना आपके चावल के अंदर जो है काफी हद तक बढ़ने लग जाएगा। दिन पे दिन एडल्ट्रेशन उस तरफ बढ़ रही है। दूसरी बात, कभी भी चावल अगर आप खाएं कहीं पर भी, और आपके मुंह में अगर वो कच्चा दिख रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा इसने ढंग से पकाया नहीं है। उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि कहीं वो प्लास्टिक का ही चावल क्यों ना हो, क्योंकि प्लास्टिक का चावल इतनी जल्दी अच्छे से पकता नहीं है। तो ये चावल में रिस्क रहता है जो आपको लेना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस अगेंस्ट ऑर्गेनिक, लेकिन अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो किसी भी अच्छे ब्रांड का, रेपुटेड ब्रांड का मार्केट से ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मसाले। मसाले अच्छी बात है अगर हम ऑर्गेनिक जैविक मिट्टी से ला सकते हैं, लेकिन अगर जैविक मिट्टी से हमारे पास में मसाले नहीं आ रहे, तब भी घबराने की बात नहीं है। अच्छे ब्रांड का मार्केट से रेपुटेड आप लेंगे तो हो सकता है एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा रैम्पेंट ना मिले। इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन रेपुटेड ब्रांड्स अपने उसमें ब्रांड में नहीं करते। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, दालें। दालें हम जरूर कहेंगे कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आइए। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो दालें होती हैं उनमें ऑर्गेनिक में टेस्ट का जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब हमारी क्वालिटी जो हमने जमीन के अंदर डाला है, नेचुरल फर्टिलाइजर डाला है, देसी गाय का गोमूत्र, देसी गाय के गोबर की बनी खाद वो डाली है, और उससे टेस्ट तक में चेंज आ जाए किसी चीज में, तो यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो नॉर्मल क्वालिटी हमें मार्केट में मिल रही है वो बहुत हद तक डिटियोरेट हो चुकी है। दालों में मैं जरूर अनुरोध करूंगा, और अब तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर दालों के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम भी आ रहे हैं, तो दालें जो हैं वो आप अपने घर के अंदर जो है ऑर्गेनिक लाने की कोशिश करिए। दालों में प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई होता है, न्यूट्रिशन आपको काफी मिल जाएगा अगर आप ऑर्गेनिक दाल की तरफ जाएंगे। इसके बाद में जो बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ रिस्क रहता है वो रहता है चीनी में। चीनी के अंदर कॉम्प्रोमाइज मत करिए। चीनी में या तो आप ऑर्गेनिक खांड की तरफ जाइए, जो ऑर्गेनिक चीनी हमारे पास में अवेलेबल होती है उसकी तरफ। ऑर्गेनिक शुगर को मत प्रेफर करिए, पहला प्रश्न तो यही है, क्योंकि पहले तो चीनी को समझना, चीनी क्या है। अपने घर में तीन चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं,
या तो गुड़ इस्तेमाल करिए या शक्कर इस्तेमाल करिए। थोड़ी सी गर्म होती है इसलिए सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, गर्मियों में कम। और गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हो तो खांड इस्तेमाल करनी चाहिए, चीनी जैसी होती है लेकिन चीनी नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब बात आती है कि गुड़, शक्कर और खांड ये सब ऑर्गेनिक होना जरूरी है क्या? नहीं। अगर देखिए, गन्ना अगर खेत में उग रहा है उसमें यूरिया पेस्टेट डल रहा है, ये एक बात है, लेकिन चीनी बनते हुए उस प्रक्रिया में जितने केमिकल्स डल रहे हैं, गुड़ बनते हुए जो केमिकल्स ऊपर से डल रहे हैं, वो ज्यादा हानिकारक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो कोई अगर आपका जानकार, कहीं गांव से कोई लोग लेकर आते हैं, अपने सामने देखते हैं कि कोई हमें ऑथेंटिक सोर्स है जहां से हमें बिना केमिकल का, ऊपरी मिलावट इनके अंदर ना हो, अगर ऐसी श्योरिटी मिलती है तो मार्केट में भी बहुत अच्छी खांड अवेलेबल है। देसी खांड की तरफ जाइए आप, तो देसी खांड की तरफ जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं मिलेगा गर्मियों में, और गुड़ और शक्कर की तरफ जाइए सर्दियों में, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद में घी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा कि कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करिए। नॉर्मल मार्केट के अंदर जितना घी अवेलेबल है, अगर वो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में नहीं है तो 99.9% चांस है वो जर्सी गाय का घी आपको दे रहे हैं। ये जर्सी गाय का घी है, सिंथेटिक दूध से बना घी है, इसके अंदर ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन लगते हैं उस दूध से बना घी है, हमारे शरीर को खत्म कर देगा। तो इसीलिए जब घी लेते हैं तब इसमें पैसा बचाने की कोशिश ना करें। एक या दो चम्मच खाइए दिन के अंदर, लेकिन वो एक या दो चम्मच जो आप खा रहे हैं वो शुद्ध घी का खाइए, ये आपको शरीर को काफी रोगों से बचा लेगा। ये जो मेन चीज है वो इससे आपको मदद मिलेगी। तेल ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। जितना रिफाइंड ऑयल इस वक्त मार्केट में आपको मिल रहा है बेहद हानिकारक है। पहले तो सरसों खेत में उग रही है तो यूरिया केमिकल डाल दिया, दूसरा हेक्सेन नाम का केमिकल डाला जाता है इसको रिफाइंड तरीके से निकालने में, ताकि उस बीज में से, जिसमें से सरसों के बीज से अगर सरसों का तेल निकल रहा हूं वो ज्यादा निकले। तो इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो सरसों के तेल या कोई भी ऑयल अवेलेबल है उसकी कॉस्टिंग इसीलिए कम आती है क्योंकि उसमें ये केमिकल्स डाले जाते हैं। तेल बिल्कुल भी मार्केट का मत लीजिए। तेल और घी ये सबसे ज्यादा हानिकारक, और प्रायोरिटी में अगर आप देखिए सबसे ज्यादा लेवल ऑफ रिस्क इनके अंदर है। अगर आपके शरीर में जाएंगे तो कई तरह की बीमारियां आपको करेंगे, चाहे वो बीपी से संबंधित हो, चाहे हार्ट से संबंधित हो। घुटनों के अंदर जो आज आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें इसलिए क्योंकि तेल और घी हम गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा घी और अच्छा तेल जरूर खाइए, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से लेंगे बेहतरीन, नहीं तो जैसी प्रक्रिया हमने आटे में करी थी, अपने सामने सरसों लीजिए, सामने पिसवाइए, जो तेल निकलेगा आपका, लेवल ऑफ रिस्क काफी हद तक बच जाएगा। जो बीज की एडल्ट्रेशन है यूरिया पेस्टिसाइड को उसको छोड़ दें, ऊपर की एडल्ट्रेशन इसमें भी नहीं होनी चाहिए। चाय के अंदर अगर आप ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको चाय के अंदर मिलता है। चाय जो है पूरी दुनिया में अगर किसी बगान में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड डलते हो तो शायद चाय के बगानों में डलते हैं। चाय आपको यूरिया पेस्टिसाइड फ्री कोशिश करनी चाहिए। देखिए बेहतर तो रहता है अगर हम ग्रीन टी की तरफ जाएं, तुलसी के काढ़े की तरफ जाएं, ऐसी चाय भी आपको ऑर्गेनिक स्टोर में मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है दूध वाली चाय ही मुझे पीनी है तो दूध और चाय की पत्ती दोनों जितनी अच्छी हो उतना आपके शरीर के लिए अच्छा। पेस्टिसाइड इतना अपने शरीर के अंदर आप चाय के थ्रू डालेंगे वो नुकसान करेगा ही करेगा। इसके बाद में जो अब आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे पास में आ रही हैं कि अगर आप कॉस्मेटिक्स की तरफ जाएं तो कॉस्मेटिक्स में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? साबुन जो शरीर पे लगा रहे हैं और तेल जो बालों में लगा रहे हैं, इसके ऊपर रिस्क मत लीजिए। या तो जैसे आपने खाने का तेल अपने सामने निकलवाया वैसा तेल निकलवाकर अपने बालों में लगवा रहे हैं तो ठीक। मार्केट में बालों में लगाने वाले तेल की क्वालिटी, जब वो खाने का तेल ही हमें अच्छा नहीं दे पा रहे तो आप खुद सोचिए बॉडी पे या बालों में लगाने वाला तेल हमें कैसे अच्छा दे सकते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, जब ये बाइक स्कूटर और गाड़ियां जो ठीक करते हैं इसमें से जो गंदा इंजन ऑयल होता है ये तक इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश के अंदर साबुन बनाने में। अपने शरीर के ऊपर जितनी स्किन एलर्जीज हो रही है उसके अंदर मेजर कारण ये है कि इस तरह के केमिकल से हम हर रोज नहाते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, बाकी कॉस्मेटिक्स एक तरफ है, कम से कम यूज करिए, लेकिन साबुन और तेल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में लीजिए या फिर इसके लिए आपके पास एक और अच्छी ऑप्शन है, कोई ना कोई पास में स्वदेशी केंद्र होगा या पास में कोई गौशाला होगी। गौशालाओं के अंदर स्वदेशी केंद्रों में देसी जड़ी बूटियों से, देसी गाय के गोबर से, इन सारी चीजों से साबुन और जो तेल है वो बनाए जाते हैं कई जगहों पे। अगर ऐसे तेल और साबुन भी आपको मिल रहे हैं तो कम से कम आपके लिए हानिकारक नहीं है। मुल्तानी मिट्टी से आप नहा सकते हैं, बेसन से नहा सकते हैं, मक्की के आटे से नहा सकते हैं। नेचुरल चीजों से स्नान करने की कोशिश करिए, वरना ये केमिकल वाले साबुन आपके शरीर पर एलर्जी शत प्रतिशत करेंगे ही करेंगे। आज जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में ये बता रहा हूं, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल आपके ये केमिकल वाले तेलों का है जो आप मार्केट से खरीद खरीद कर लगा रही हैं। इनकी तरफ मत जाइए। नेचुरल ऑयल जितना हो सके जो अपने सामने निकला हुआ हो या ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से आया हो वही इस्तेमाल करें।
99.99% चांस है जो शहद आपके घर में आ रहा है उसमें एंटीबायोटिक्स होंगी और वो गुड़ और चीनी के इस्तेमाल से बनाया होगा, उसमें मिनरल विटामिन होगा ही नहीं। तो मैं आपसे ये बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, शहद के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए। सामने अपनी आंखों के सामने निकलवाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से ही शहद आए जो कम से कम USDA सर्टिफाइड जरूर हो, ताकि घर के अंदर जितना शहद आ रहा है कभी भी आप कंज्यूम करें, जिस चीज के लिए उसको कंज्यूम कर रहे हो बेनिफिट तो मिले कम से कम 10-20 रुपए, 40-50 रुपए का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से शहद आपके घर में पहुंच सकता है। इसके बाद में नमक, हमने वीडियो बनाई थी अभी कुछ ही दिन पहले, नमक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेहद हानिकारक है आपके लिए, सेंधा नमक पे शिफ्ट हुई है। लेकिन जब मार्केट हमें ओरिजिनल नमक नहीं दे पा रही तो जाहिर सी बात है वो सेंधा नमक भी कभी हमें प्योर देने की कोशिश नहीं करेगी, छेड़छाड़ आज नहीं तो कल वो सेंधा नमक में भी करेंगे। इसीलिए नमक कोई बहुत महंगी आइटम नहीं है, कोशिश करिए ऑर्गेनिक स्टोर से सेंधा नमक ही आपके पास आए, इसके अंदर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में मिठाइयां, दिवाली आई, होली आई, हर किसी के ऊपर बर्डन है कि मिठाई लेनी है, अपने लिए भी रिश्तेदारों के लिए भी, ये जानते हुए कि जहरीला खोया मार्केट में अवेलेबल है, दूध सबसे गंदा, जब हमें पीने के लिए नहीं मिल पा रहा मिठाइयों के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो गंदी मिठाइयां हम खरीद कर त्योहारों पर एक दूसरे को देते हैं, प्लीज इससे बचिए। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आने लगे जिन्होंने आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स इनके इस्तेमाल को बंद किया, चीनी को बंद किया, गुड़ से अच्छी मिठाइयां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लड्डू, ऐसे बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आ रही है। छोटा पैकेट खरीदिए, अच्छा दीजिए, लेकिन त्यौहार पे किसी को भी दें तो कम से कम केमिकल और ये सारी चीजें अपने परिवार के अंदर मत बांटें, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद में एक बहुत कॉमन सेंस की चीज है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई। वीडियो क्या बनाई कि आप जो ये टूथपेस्ट कर रहे हैं महंगा खरीद रहे हैं 60-70-80 रुपए का, और उसके बाद में केमिकल अपने दांतों में लगा रहे हैं, क्या जरूरत है? इसमें आपको ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पास के स्वदेशी केंद्र में जाइए, वहां पर जो दंत मंजन अवेलेबल है वो दंत मंजन लेकर आइए। और इसके लिए आपको ऑर्गेनिक स्टोर भी विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वदेशी केंद्र में दंत मंजन जब भी कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा वो कभी उसमें केमिकल का उपयोग नहीं करेगा। 40 रुपए में हमें एक अच्छा कंपनी का 40-60 रुपए में दंत मंजन मिल जाता है, 1.5-2 महीने चलता है, दांतों को सुरक्षा देता है, शरीर के लिए फायदेमंद है। जितने इसके अंदर हर्ब्स डलते हैं, अगर निगल भी रही किसी ने तो उसको फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो क्या जरूरत है टूथपेस्ट पर पैसा लगाने की? टूथपेस्ट के ऊपर पैसा लगाना बिल्कुल बंद करिए, ये आपके लिए पैसे का भी लॉस है और सेहत का भी बड़ा नुकसान है। 99% घरों में आज जो ये ठंडा गर्म की दिक्कत आ रही है, इसका मेन कल्प्रिट वो सोडियम लोराइल सल्फेट और फ्लोराइड है जो आपके टूथपेस्ट के अंदर, और जो ब्लू टू डाई इस्तेमाल होती है आपके टूथपेस्ट में, ये जो नीला रंग दिखता है, ये जो हरा रंग, ये लाल रंग दिखता है, ये कोई उन्होंने नेचुरल चीजों से नहीं निकाला, ये एक तरह की डाई है जिनको डाल के आपका टूथपेस्ट बनाया जा रहा है। बचिए इन पॉइजन से, फालतू के पैसा खर्च करके हम अपने घर में जहर लाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, बचिए, नेचुरल दंत मंजन की तरफ दोबारा जाइए। इसके बाद में एक ऐसी चीज है, क्योंकि देखिए ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री थी जिसमें हमने आपको जहर से बचाने का प्रयत्न किया, अब मैं आपको उस अंश के बारे में बता रहा हूं जिसको अगर आप अपने घर में आज शुरू कर लेंगे तो आप अपने घर को बीमारियों से पूरा बचा लेंगे। सबसे पहले नंबर पे इसमें आते हैं ड्राई फ्रूट्स। मैं आपको 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स का नाम बता रहा हूं, बादाम, मुनक्का, अखरोट, अंजीर और छुआरे, ये 5 तरह के ड्राई फ्रूट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बादाम, मुनक्का, अखरोट, अंजीर, छुआरे, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा विटामिन मिनरल हो जो इन पांचों की कवरेज के अंदर ना आ पाता हो। बादाम, मुनक्का, अखरोट इतनी ताकतवर चीजें हैं, आपके शरीर में चली गएगी, आपके शरीर के अंदर रोग नहीं होने देगी, किसी तरह की कमजोरी नहीं आने देगी। ये 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स को रात को पानी में भिगोइए। हमने काफी वीडियोस हैं जो वाक्षी न्यूट्रिशनल पेस्ट पर लॉन्च करी है, इसके यूज के बारे में हम और भी वीडियोस लॉन्च करेंगे। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दूध, जब सब कुछ जहरीला हो गया तो बच्चों को और परिवार को न्यूट्रिशन कहां से दोगे? ड्राई फ्रूट्स अभी भी वो चीज है जिससे न्यूट्रिशन आप निकाल सकते हैं। लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन बहुत कम है, होने के चांसेस नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं जो हम जान पाए, हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इनकी पहचान करें, लेकिन ड्राई फ्रूट से न्यूट्रिशन निकालिए। बादाम, मुनक्का, अखरोट, अंजीर और छुआरे रात को पानी में भिगो दीजिए, भिगोने के बाद में सुबह इनके बीज निकालिए, ग्राइंडर में डालिए, मिक्स कर दीजिए, एक चटनी बनेगी। थोड़ा सा और पानी डालोगे और मिक्स करोगे तो हल्का गाढ़ा शेक बन जाएगा। विश्वास कीजिए, देसी गाय के दूध के बाद अगर दुनिया में कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो यही है जो अपने शरीर के अंदर आपको डालनी चाहिए और बच्चों को पिलानी चाहिए। सबसे खास बात, गर्मी, सर्दी, किसी भी मौसम में आप ये चटनी और ये बनने वाला शेक अपने बच्चों को पिला सकते हैं।
ये समझदारी की चीजें जो लेकर आइए। तो मेवे से अपने शरीर में ताकत लाइए अगर दूध आपके शरीर में नहीं पहुंच पा रहा। इसके बाद में एक और चीज है, इसके बारे में वर्णन किट के अंदर करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आज 95% घरों में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं। जो आप ये हेयर कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, घर घर में है, बाल सफेद हो रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में सफेद हो रहे हैं, और हम मार्केट में जाते हैं और हेयर कलर ले आते हैं, केमिकल से भरे हुए हैं ये कलर। कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से आने वाले कलर्स को इस्तेमाल करिए। जो पहला जिंदगी में आपके बच्चे कल ना कभी ना कभी वो कलर की तरफ जरूर जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे ही पहला बाल सफेद हुआ, मार्केट का बिल्कुल आप वो जो कलर मिल रहा है केमिकल वाला बिल्कुल मत लगाइए, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के कलर को लगाइए। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का कलर अगर आपने लगाया, आपके बाल प्रिजर्व रहेंगे, वो धीरे धीरे करके उसको वापस ला सकता है। एक बार आपने केमिकल युक्त कलर अपने बालों में लगा दिया, 99% लोगों से पूछिए जिन्होंने केमिकल वाले कलर लगाए हैं, 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें महसूस होता है जो बाल काले थे वो भी सफेद हो गए, इतना भयंकर केमिकल उनके अंदर डाला जाता है। इस तरह की फॉल्स एडवर्टाइजमेंट से, सुनहरे विज्ञापनों से बचिए। ऑर्गेनिक कलर के अलावा बालों में कुछ मत लगाइए, इसमें कोई दूसरा चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जो आप जाके मेहंदी तक ले आते हैं, अगर वो मेहंदी लगाती कलर दे रही है, इसका मतलब उसके अंदर केमिकल बहुत भयंकर है। केवल USDA सर्टिफाइड कलर्स की तरफ जाइए, वो आपको बहुत मदद करेंगे। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, नमकीन या अचार आपके घर में इस्तेमाल होता है, बड़ी सोचने की बात है, 15 साल पहले हमारे घर में भी अचार बनते थे, तो हमारे जो दादी थी, हमारी जो नानी थी, उन्होंने कौन से केमिकल उसमें डाले जो 1-1 साल तक वो प्रिजर्व रहता था। अगर अचार अच्छे ढंग से बनाया जाए तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स की आवश्यकता ही नहीं है। सरसों का तेल, नमक, ये अपने आप में बहुत बड़े प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनको किसी दूसरे केमिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका तेल प्योर नहीं है, नमक प्योर नहीं है, तो केमिकल्स तो डालने ही पड़ेंगे ना। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जो अचार बन रहे हैं ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का आए, अच्छी बात, नहीं आए अपने घर में बना लीजिए। अपने घर में शुद्ध चीजों से बनाए हुए अचार की कोई तुलना नहीं कर सकता। तो इसीलिए अचार के ऊपर ध्यान रखिए, बाजार से केमिकल वाले लेने बंद करिए। नमकीन अगर आप लेते हैं, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट में सब नमकीन मिल रही है उसकी वो कॉस्टिंग इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि तेल की क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड कर रहे हैं। आज नमकीन जब आप खाते हैं कितना, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी, इतने के अंदर क्वालिटी आपको पता नहीं चलती। जिस दिन आपने नमकीन का एक पूरा पैकेट खा लिया, उसको इमीडिएटली बाद आपके शरीर में डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाएगा। उसका मेन रीजन ये है, जिस तेल के अंदर उसको भुना गया या तला गया है, वो तेल ही बहुत गंदा इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए नमकीन की कॉस्टिंग्स बढ़ नहीं पाती, क्योंकि तेल की वैल्यू को जितना डिग्रेड करना चाहो आप कर सकते हो। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप वाक्षी पर कभी भी दूसरे राज्य से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो इन चीजों को सम्मिलित जरूर करिए। मैंने आपको लेवल ऑफ रिस्क इसके अंदर इसलिए बताया ताकि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तब आपको पता हो कि कौन सी चीज मुझे पहले ऑर्डर करनी है। पैसा हर एक के पास में बहुत सीमित होता है, उसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना, यही वाक्षी का ध्येय है। आप तक कम से कम मूल्य में अच्छे से अच्छी चीज पहुंचाना, ये हमारा मेन मकसद है। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, पानी के बारे में। 50% से ज्यादा बीमारियां आप अपने शरीर में बचा सकते हैं अगर पानी का उपयोग ढंग से कर रहे हो। इसीलिए हमारे पास में ये मिट्टी की बोतल तैयार है। मिट्टी के बर्तन कम से कम 55 तरह के 60 तरह के हैं वाक्षी के पास अवेलेबल, लेकिन सारे के सारे आपके लिए जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके उपयोग किए बिना आपको दिक्कत होगी, सिवाय मिट्टी के बॉटल या मटके के पानी के। अगर आज भी आप अपने घरों के अंदर सीधा आरओ से निकला हुआ पानी अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो आपके शरीर के अंदर 100% नुकसान कर रहा है। कॉमन सेंस की बात है, नदी पॉल्यूटेड थी, आरओ में पानी आया, आरओ ने उसके सारे मिनरल्स को खींच लिया। आप खुद सोचिए, जिस पानी के अंदर कोई मिनरल नहीं है, बिल्कुल प्लेन वाटर है, आपके शरीर में तो मिनरल्स हैं। पानी की ये नेचर है कि अगर उसको आप मिनरल के साथ रखेंगे, वो दूसरी साइड से मिनरल्स को खींचेगा। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, यही तो प्रोसीजर है। तो आपकी बॉडी के अंदर जब वो पानी गया जिसमें मिनरल्स नहीं है, वो आपकी हड्डियों से, आपके ब्लड से, सब जगह से मिनरल्स खींच के बाहर निकल रहा है। खुद सोचने की बात है, हम सब लोग अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बोलते हैं आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। कैसे हो गई कमी? जब हम अच्छा खाना खा रहे हैं, जब अच्छा खाना पी रहे हैं, तो फिर ये कैसे कमी हो जाएगी शरीर के अंदर? पानी जो आप पी रहे हैं वो आपके शरीर से मिनरल्स लेकर बाहर निकल रहा है। अच्छा खाना खाएंगे और पानी सीधा आरओ का पिएंगे तो नुकसान करेगा। आरओ के पानी को हमेशा मिट्टी के बर्तन में उतारिए। मिट्टी के अंदर 108 से ज्यादा मिनरल्स हैं। ये सारे मिनरल्स वो पानी जो है वो मटके से और मिट्टी से खींच लेगा, और फिर जब आपके शरीर में आएगा तो ये मिनरल्स देगा, ना कि मिनरल्स को खींचेगा। समझदारी से अगर हम उपयोग करेंगे पानी का, तो कभी आप अपने शरीर को रोगी नहीं होने देंगे। हमारा आपसे निवेदन है, कोई मिट्टी का बर्तन मंगवाए या ना मंगवाए, लेकिन मिट्टी का जग, मिट्टी की बोतल, मिट्टी का मटका, मिट्टी का मयूर जग,
पानी जो है मेरे घर में वो मिट्टी के बर्तन से निकला हुआ उपयोग हो, ऐसी कोशिश हमेशा करिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमल में लेकर आए। ये सारी चीजों को अगर आज हमने नहीं अपनाया, कल को बीमारियों के बाद में हमें अपनाना पड़ेगा, कल को डॉक्टर कहेंगे तो अपनाना पड़ेगा। समझदारी ये है कि रोगों को आने से पहले इन चीजों की तरफ शिफ्ट हो। इसके अलावा अगर इसके बारे में कोई भी प्रश्न है तो सीधा वाक्षी से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर हमेशा लिंक के अंदर दिए जाते हैं। आप अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।